ये जो असली मजदूर रेडी वाले जो हम आपको बता रहे हैं यही है, लेकिन 35 ही रेडी वाले सर, 35 मेरी रेडी पकड़ के ऐसे हिला दी और मेरा तेल भी खुलवा दिया। हल्की रेडी नहीं लगाते? नहीं, मैं छोले भटूरे। फिर यहाँ क्यों खड़े जी हमारे साथ? ये रेहड़ी वाले शहर में सब तमाम रेहड़ी वालों से बिल्कुल अलग हैं, इनके लिए अलग कानून बनाना चाहिए। जब शहर के और रेहड़ी वाले शिफ्ट हो गए तो ये रेहड़ी वाले शिफ्ट क्यों नहीं हो? रेहड़ी वाले साफ साफ जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। सुबह फल के जो रेट है वो तमाम रेहड़ी वाले मिलकर निर्धारित कर लेते हैं और जनता को लूटने का काम करते हैं। वो सिस्टम है जी, जो असली मजदूर रेहड़ी वाले जो हम आपको बता रहे हैं यही है, लेकिन 35 ही रेहड़ी वाले सर, 35 क्यों सर? हमने यहाँ तो 35 ही होंगे। नहीं सर, 35 450 रेहड़ी है जी, 400 रेहड़ी वाले जो बाकी वो तो वहाँ बेकार, वो कोई रेहड़ी वाले नहीं हुए हैं जी। ये तो जी भटकाने वाली बात है जी, और कोई बात नहीं है जी। मैं आज 10 दिन हो गए जी, मैं छोले भटूरे की रेहड़ी लगाता हूँ, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे पहले तो कोई ट्रैफिक नहीं है जी। मेरी रेहड़ी पकड़ के ऐसे हिला दी और मेरा तेल भी खिंडवा दिया जी। अच्छा, आप फलकी रेडी नहीं लगाते? नहीं, मैं छोले भटूरे। फिर यहाँ क्यों खड़े हैं जी? हमारे साथी हैं जी। यहाँ तो फल वालों की रेहड़ियाँ सुनी हमने। नहीं, वादे उस कोने के ऊपर लगती है जी, वो गोलगप्पे की रेहड़ी लगती है ना, उस कोने पे लगती है जी हमारी रेहड़ी, जिसमें गोलगप्पे वाले भी। ये कहते हैं कि फल यहाँ नहीं, वहाँ फल नहीं बिकते, बाकी चीज बिक सकते। आपने रेहड़ी वहाँ क्यों नहीं लगाई? वहाँ लगाई थी जी, इन्होंने रेहड़ी लगाई थी, वो धर्मवीर भाई साहब की कोठी के ऊपर भी गए थे, वहाँ भी अपील की थी जी। वहाँ 3,000 रुपये का माल लेके अगर 200 रुपये की बिक्री आती है तो मंडी वाला आके तो भारी गुद्दी पकड़ेगा जी, फिर लाओ पैसे। यहाँ कितनी बिक्री आ जाती है? ये ठीक है जी, हमारे कई दो पेटी लेके बैठे हैं, जब तक तो गुजारा हो रहा है जी। आके माल की पेटी लेके बैठे यहाँ आती है जी हमारी। जैसे हम आज मान के चलो आज हम 3,000 का माल ले आए, तो इसमें मेरे को शाम को पता कि मेरी 3,300 या 3,400 रुपये की बिक्री आएगी, इस चीज का मुझे नॉलेज है। 250-300 रुपये मजदूरी बन जाती है सर, ऐसी कोई बात नहीं है जी। वहाँ मजदूरी नहीं बनेगी, कर्जा सर मंडी का होगा तो जी कैसे पार पड़ेगी? लेकिन रेहड़ी वालों का कहना है कि इतना ज़्यादा मुनाफा ये नहीं कमाते, अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और इन्हें अगर यहाँ जगह मिल जाए तो कहीं ना कहीं इनका गुजारा होता रहेगा, इनका रोजगार चलता रहेगा। हालांकि इन पर आरोप लगे हैं कि ये रेहड़ी वाले शहर में सब तमाम रेहड़ी वालों से बिल्कुल अलग हैं, इनके लिए अलग कानून बनाना चाहिए। जब शहर के और रेहड़ी वाले शिफ्ट हो गए तो ये रेहड़ी वाले शिफ्ट क्यों न हो? लोगों का आरोप है, रेहड़ी वालों का ही आरोप है, जो कि ये रेहड़ी वाले साफ साफ जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रशासन द्वारा जो जारी आदेश जो किए गए हैं उनका उनकी अवहेलना की है। नहीं सर, ये बात आप, हमारी सरकार को कोई चुनौती नहीं है जी, हम तो सरकार के साथ हैं, हमारी कोई चुनौती नहीं है साथ, हम इस बात में चुनौती नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ सरकार से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ कोई। देखिए, चरखी दादरी शहर में तमाम जहाँ रेहड़ियाँ लगती है वहाँ भी हम सर्वे करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनको क्या तकलीफें हैं। इस वक्त हमें जो पुल के पास जो प्रशासन ने जगह दी थी वहां पर रेहड़ी वालों से बातचीत करेंगे। हालांकि यहां रेहड़ी लगाने वालों का कहना है कि यहां पर कोई भी मोनोपोली नहीं है, यानी कि सीधे शब्दों में मैं कहूं तो यहां पर जो आरोप लगे थे कि सुबह फल के जो रेट है वो तमाम रेहड़ी वाले मिलकर निर्धारित कर लेते हैं और जनता को लूटने का काम करते हैं, ऐसा आरोप लगाए थे। लेकिन इनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधान का कहना है कि ये सारी बातें बेबुनियाद है, जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो दिन में जो कमाते हैं रात को उनकी दारू पी जाते हैं, ऐसे लोग ही आरोप लगा रहे हैं, शुरू से ही उनको खारिज कर रहे हैं कि वो रेहड़ी वाले नहीं है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।